What's up, पेट्रोल हेड्स? आई एम ज़कार्स एंड कार डील की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, टुडे आई हैव गॉट अ रियली वेरी स्पेशल कार फॉर यू। इतनी ज्यादा स्पेशल है वो कार कि उसके ऊपर एक पूरी कस्टम किट लगी हुई है, एंड जब आप उस गाड़ी को देखोगे ना, आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, एंड दैट्स गोना बी वाओ। सो गाइस, हियर आई प्रेजेंट यू ऑडी A6। So yes guys, ये है 2012 Audi A6 जिसके ऊपर पूरी कस्टम किट लगी हुई है, एंड आज मैं आपको इस गाड़ी के सारे लुक्स, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, कितने हजार किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है, कौन सा इसका नंबर रजिस्टर्ड है, एंड क्या प्राइस है गाड़ी का, सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे इस वीडियो को। सो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी हम बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी सी रेडिएटर ग्रिल आगे देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर पूरा क्रोम ट्रीटमेंट हो रखा है, यानी ऑडी की बैजिंग हो रखी है। सो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। उसके साथ यहाँ पे आपको ज़ीनॉन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। उसके नीचे आते ही आपको यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स देखने को मिलेगा, एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं फॉग लैंप्स गाड़ी के। और इस गाड़ी का पूरा फ्रंट जो है उसके ऊपर एक आफ्टर मार्केट कस्टम पूरा फ्रंट बम्पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है। एंड यस, अगर फ्रंट से हम बात करें तो गाड़ी के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर ये गाड़ी है। उसके बाद अगर हम साइड्स में हैं तो आपको सबसे पहले आते हैं ये 17 इंचेस के ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, पिरेली के टायर्स है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है गाड़ी के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डुअल टोन रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है, एंड उसके बाद यहाँ पे फ्यूल कैप है। एंड अगर हम पीछे आए गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स ऑडी के लोगों के साथ, यहाँ पे एक रियर स्पॉइलर भी मिलता है जिसके ऊपर पूरी कार्बन फाइबर वाली फिनिशिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड नीचे से गाड़ी को देखें तो यहाँ पे आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, एंड एक ब्लैक कलर की टिप मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तो सच्ची में इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी के अंदर, पूरी अच्छे से कंडीशन में इस गाड़ी को रखा गया है कार डील पे। तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट कैबिन के अंदर और बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। सो अभी हम बैठे हुए हैं इस गाड़ी के फ्रंट कैबिन के अंदर, एंड सच्ची बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी एंड लग्जीरियस है इसका फ्रंट कैबिन। सबसे पहले आपको एक बहुत ही स्पोर्टी ऑडी का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जिसके ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है। देन आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जिसके अंदर एनालॉग स्टाइल के अंदर टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, बीच में एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, सच एज गाड़ी की सर्विसेज अगर ड्यू है, क्या टेम्परेचर है। एंड उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट जो ऑडी इसके अंदर मेरे को लगता है वो है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। बट आप सबका क्वेश्चन ये होगा कि आखिर इंफोटेनमेंट स्क्रीन कहाँ है? सो इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ है। सो यस गाइस, आपको बस ये बटन दबाना है और आपका पूरा इंफोटेनमेंट स्क्रीन बाहर आ जाएगा, जिसके अंदर आप कार, टेलीफोन, इन्फो, नेविगेशन, मीडिया, रेडियो, टोन, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ये नॉब दे रखा है, आपको जस्ट इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के अंदर घुमाना है, एंड आपको वेरियस फीचर्स के अंदर स्विच करता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिलता है, एंड उसके ऊपर ये सिल्वर फिनिश हो रखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नीचे ये CD के लिए दे रखा है पैनल, उसके बाद ये क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल है, एंड उसके बाद आता है इस गाड़ी का गियर शिफ्टर, जो कि काफ़ी बड़ा है, एंड दैट्स व्हाट शी सेड। सो यस, आपको बस ये लीवर को प्रेस करना है, आप इसको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स के अंदर स्विच कर सकते हो। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 की न्यूमरिंग हो रखी है, जिससे आप टेलीफोन के टाइम पे उसे यूज़ कर सकते हो, रेडियोज़ के टाइम पे उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन है, रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, टेलीफोन के सारे बटन्स दे रखे हैं। एंड अगर हम इस गाड़ी के डैश के बारे में बात करें तो पूरी एक वुडन फिनिशिंग हो रखी है, ट्रिपल टोन डैश है, जिसमें नीचे बेज, बीच में वुडन स्टाइल, ऊपर ये मैट स्टाइल में दे रखा है। एंड गाड़ी का फ्रंट कैबिन लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साथ में आपको एक सनरूफ भी देखने को मिलती है। और अगर मुझसे कोई पूछे ना कि इस गाड़ी के फ्रंट कैबिन की मैं कंडीशन बताऊं, देन डेफिनेटली मैं उसको रेट करूंगा 10 में से 10, क्योंकि एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं दिख रहा है मेरे को इसके फ्रंट कैबिन के अंदर, बहुत अच्छी कंडीशन में इस गाड़ी को रखा गया है। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के रियर कैबिन के अंदर और बात करते हैं इसके रियर कैबिन के इंटीरियर्स के बारे में। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ इस गाड़ी के रियर कैबिन के अंदर, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लेग रूम है इसके अंदर अभी ये, क्योंकि फ्रंट ड्राइवर सीट ऑलमोस्ट पूरी पीछे हो रखी है, एंड उसके बाद भी मेरे पास बहुत ही अच्छा लेग रूम है, बहुत अच्छा हेड रूम है, एंड पूरा बेज कलर के अंदर इंटीरियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। तो पीछे आपको ये AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ से आप AC वेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे एक AC वेंट बना हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम इसके डोर के पैनल की बात करें तो यहाँ पे वुडन स्टाइल के अंदर फिनिशिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और लग्जीरियस सी फील देती है। एंड बीच में आपको एक ये आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। सो यस,
अगर मैं रियर कैबिन की बात करूँ, सो इट्स फुल ऑफ कम्फर्ट, फुल ऑफ लग्जरी। सो अगर आपको ये लग्जरी एंड स्पोर्टी कस्टम डिजाइन ऑडी A6 अपनी बनानी है, तो एक ही जगह आपको आना है, वो है कार डील। सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और थोड़ी और बहुत डिटेल्स मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। ये सिर्फ 47,000 किलोमीटर ड्रिवन है, चंडीगढ़ का इसका नंबर रजिस्टर्ड है, एंड ये गाड़ी आप सबके लिए अवेलेबल है सिर्फ 14,75,000 रुपीज़ में। तो कार डील आओ और इस कस्टम 2012 ऑडी A6 को अपना बनाओ। एंड गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, देन ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।